आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी और सुबह की भागदौड़ी में झटपट बनने वाला पोहे की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैंने दो बड़े कटोरे पोहे लिए थे। इसको मैंने 2-3 पानी से धो लिया था और 10 मिनट के लिए मैंने इसको साइड में रख लिया था। सब्जी में मैंने यहाँ पे 2 बड़े आलू मैंने चॉप बारीक चॉप किए हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज काटे हैं और 8 मैंने हरी मिर्ची ली है। प्याज यहाँ पे ज़्यादा ऐड करें, पोहे में प्याज बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने पोहे में स्वादानुसार नमक ऐड कर लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा नींबू, इसको मैंने कट करके इसका मैंने यहाँ पे रस ऐड किया है। आप चाहे तो इसकी जगह बाद में टमाटर ऐड कर सकते हो। आधे चम्मच के बराबर मैंने चीनी ली है, चीनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने हाथ से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथ से इस पोहे को अच्छे से मिक्स करें ताकि जो भी मैंने यहाँ पे ऐड करी है चीज़ें वो अच्छे से पोहे पे मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है, बाद में मैंने यहाँ पे 2-3 बड़े चम्मच के बराबर ऑयल ऐड किया है, क्योंकि पोहा जो है ना कि ऑयल ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो हमने यहाँ पे तेल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम हाई रखें और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें सरसों के दाने ऐड कर लें। अब यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और हमने यहाँ पे मिर्चियाँ ऐड कर देनी है। साथ में मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मूंगफली भी ऐड कर सकते हो, मूंगफली भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। बाद में यहाँ पे प्याज ऐड कर लें। प्याज को 10 से 15 सेकंड तक गर्म तेल में पकने दें। बाद में यहाँ पे आलू ऐड कर लें। आप चाहे तो वेजिटेबल्स में यहाँ पे गोभी या मटर भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है पोहे में। अब यहाँ पे आलू को ढककर 2 मिनट तक गलने के लिए छोड़ दें। बाद में यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर लें। हल्दी पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमने कम से कम 30 सेकंड तक हमने यहाँ पे इसको पकने देना है। एक बार कड़छी से चेक कर लें कि आपके आलू अच्छे से गल गए कि नहीं गले। अगर नहीं गले हैं तो यहाँ पे आप ढक्कन लगाकर 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे आप आलू को और पका सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पोहा ऐड कर दिया है। पोहे को कड़छी की मदद से अच्छे से मिक्स कर ले ताकि इसमें हल्दी का कलर अच्छे से आ जाए और बाकी चीज़ें भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने पोहे को ढककर कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक हमने यहाँ पे उसको पकने देना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अब हमारे यहाँ पर पोहा पककर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर लें। तो देखा ना आपने, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ना मेहनत लगती है, ना ज़्यादा मसाले लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही आराम से कम टाइम पे बन जाता है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।